बात खुद कह रहे हैं सीबीएसई के एक्स चेयरमैन और सारे एफिलिएटेड स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बीच में भी बात उठा है। कोई स्टूडेंट बस इतना भी अच्छे से कर ले, ठीक है, इतना भी अच्छे से कर ले तो उसको कोई भी दिक्कत का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको देखो क्लियरली बताता हूं कि क्या चीजें और क्या क्या चीज आप कर सकते हो और अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। पहला बात, सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी को अगर आप कवर करते हो, उसको भी अगर आप अच्छे से कवर करोगे हर सब्जेक्ट में, तो आपके मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। लेकिन यहां पे मैं इस बात को रिमाइंड कर दूं कि अगर कोई बच्चा अपना पेपर नहीं कंप्लीट करता है तो उस पर कोई टीचर हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। टर्म 1 में भी मैंने इस बात को उठाया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चंस कंप्लीट करके आना, जितने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करके आना एज पर इंस्ट्रक्शंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, देन सैंपल पेपर को कवर करने का बात उठा ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए कि भाई किस तरह से वो अपने आप को स्कोर कर सकते हैं, कैसा एग्जाम का पैटर्न रहेगा। तीसरा बात, जो कोई भी बोलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर चैप्टर वाइज अगर आप कवर करते हो, ध्यान देते हो प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस आए, ठीक है, उसमें से डिलीटेड पोर्शंस को हटा दो और जो आपके काम का है उस पर फोकस करो, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सभी का मानना ये था और ये मेरा सजेशन है, ये फोर्थ वाला, कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग फॉर एनी स्टूडेंट, तो आप इसके साथ में जाओ। तो देखो आप लोगों के हेल्प के लिए एक्स चेयरमैन भी उठ गए, अब बस अब आपको करना है मेहनत।